हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। गाइस, आज हमारा नया वीडियो बनाने चल रहे हैं जिसका नाम है सुपर स्प्लेंडर का क्लच केबल। तो अगर देखिए हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा नॉलेज दे और थोड़ा सा भी जानकारी मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या फिटिंग लगती है और कैसे बनता है। पूरा फुल फुल वीडियो हम बना के डालेंगे, आप लोग देखिए। ये हम सबसे पहले आउटर काटते हैं सुपर स्प्लेंडर का क्लच केबल का। 36 इंची पूरा पूरा है तो हमें 9 का आउटर लेना है। गैस इसमें पहले बता दे रहा हूँ, हम सुपर स्प्लेंडर का क्लच केबल 9 के आउटर में बनता है, इसलिए इसमें सब कुछ जो लगेगा फिटिंग 9 नंबर का ही लगेगा। 9 नंबर का लाइनर, 9 नंबर का स्लीप, जितना भी सिस्टम लगेगा इसमें फिटिंग सब 9 नंबर का लगेगा। तो चलिए हम काटते हैं आउटर। इंची टेप लेते हैं, ये हमारा इंची टेप है, आप लोग सब जानते ही हो। तो सबसे पहले हम नापते हैं इसको। ये देखिए हमने आउटर काट लिया है, एक बार दोबारा नापेंगे कि साइज ठीक है कि नहीं। साइज एकदम परफेक्ट काटना है, साइज में कोई दिक्कत नहीं करना है। तो हमारा साइज एकदम पूरा ठीक है, 36 इंची। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, इसको फिटिंग लेते हैं क्या क्या लगता है। हम आउटर काट के ले आ चुके हैं, ये देखिए 36 इंची, और हमने इसका फिटिंग भी ले लिया है। होंडा नक्का, होंडा रजिस्टर, होंडा नक्का, आप लोग देख सकते हो ये मैंने रखा हूँ। ये होंडा क्लच का नक्का है या रजिस्टर है, और ये चार मीनार है। और अब हमें इसको लाइनर लेना है, हम लाइनर लेते हैं 9 नंबर का 36 इंची। ये देखिए हमने लाइनर भी ले लिया है। अब इस लाइनर को मुझे नापना है 36 इंची पूरा, तो हमें ये लाइनर बड़ा है इसको काटना पड़ेगा। हम थोड़ा सा आधा इंची छोटा कर देंगे इसको। ये देखिए हमने लाइनर को एकदम बराबर से नाप लिया है, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें को इसका सिरा साफ करना है दोनों तरफ हैंड कटर से। तो सबसे पहले सिरा साफ कर लेते हैं। ये हमारा हैंड कटर है, इससे सिरा साफ करेंगे। ये देखिए एक तरफ हो गया साफ और ये दूसरी तरफ हो गया साफ। अब इसमें लाइनर हमें डालना है। ये देखिए ये लाइनर हमारा डल गया, अब इसका फूल बनाना है मुझे, तो हम फूल बना लेते हैं फटाफट। ये देखिए हमारा फूल बन के रेडी हो गया है, फूल बन के रेडी हो गया है। अब इसमें मुझे स्लीप डालना है 27 इंची। ये देखिए ये हमारा स्लीप है 27 इंची 9 नंबर का, तो हमें इसमें डालना है। ये देखिए हमने स्लीप डाल दिया है, अब इसको हमें ठोकना है। सबसे पहले मुझे मशीन की जो होती डाई होती है उसको चेंज कर लेते हैं फटाफट खोल के। हमें 9 नंबर की डाई बांधनी है। गाइस आप लोग को पहले बता दिया, जो चीज हम करेंगे सब कुछ 9 नंबर से ही होगा। ये देखिए हमने डाई को बांध लिया है, अब इसको नक्का ठोकते हैं फूल की तरफ, जिस तरह फूल बनाया था हमने। एक बार देख लेते हैं बंद तो नहीं है, बंद नहीं है, अब ठोकते हैं। ये देखिए हमने ठोक दिया है, ये देख लीजिए नक्का। अब दूसरी तरफ अरजिस्टर ठोकते हैं, ये होंडा अरजिस्टर। ये देखिए हमने होंडा अरजिस्टर भी ठोक लिया है, आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से लगता है, आप लोग देख सकते हो। हम आपको पास से दिखा देते हैं। ये देखिए देख लीजिए, ये होंडा रजिस्टर है और होंडा नक्का है, छोटा वाला होंडा नक्का, बड़ा वाला होंडा रजिस्टर।
पूरा कुमला जिला ऐसे है, देख लीजिए। अब इसमें हम घंटी लगाएंगे और तार डालेंगे, ठीक है। हम तार लेकर आते हैं फटाफट। ये देखिए हमने तार भी ले लिया और घंटी भी ले लिया, छोटी सी घंटी, और इसके ऊपर कड़मक्खी भी चढ़ाया हूँ मैंने। तार है 42 इंची 2 mm स्टैंड वायर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले घंटी लगाना छोटे नक्के की तरफ से। ये देखिए कुछ इस तरीके से लग जाएगा छोटे नक्के की तरफ से। अब इसमें हमें तेल लगाना है सिलिकॉन ऑयल, ताकि ये तार फ्री चले। तो चलिए हम फटाफट तेल लगाते हैं। ये हमारा सिलिकॉन ऑयल है, अब इसको हम तेल लगाएंगे इसमें। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो अब हम इसमें डालेंगे तार को घंटी की तरफ से। ये देखिए जिस तरफ फूल बनाए थे हमने। ये देखिए हमने तार को डाल लिया है, एकदम फ्री चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए, देख लीजिए, ये देखिए। चाहे इसको मोड़ के चलाइए, चाहे कैसे भी चलाइए, ताकि फ्री चलना चाहिए। ये देखिए मोड़ने के बाद ही फ्री चल रहा है। अब इसको हमें साइज काटना है, बुश लगा के हमें 1 इंची 7 सूत काटना है। तो हम चलिए फटाफट काटते हैं साइज इसका। ये हमारा साइज कटर है गाइस, आप लोग देख सकते हो। अब हमें इसमें साइज बांधना है, 1 इंची 6 सूत बांधेंगे तो जाके हमारा 1 सूत बड़ा आएगा, 1 इंची 7 सूत हो जाएगा बुश लगाएंगे तो। चलिए हम फटाफट बांधते हैं इसको। इसको तो मैंने बता ही दिया है, स्केल है या फुट्टा बोल लीजिए। तो साइज हमने बांध लिया है, अब इसको काटेंगे हम। ये देखिए हमने काट लिया है, 1 इंची 6 सूत काट लिया है। अब बुश लगाएंगे तो 1 इंची 7 सूत हो जाएगा। तो चलिए फटाफट अब हम कटर हटाते हैं और बुश लगाते हैं। ये देखिए हमने साइज काट लिया है, अब हमको इसमें बुश लगाना है। ये देखिए ये बुश है, आपको दिखाया था पहले ही, ये देख लीजिए। अब इसको हमें ठोकना है इसमें मशीन में लगा के। ऐसे लगा दिया मैंने बुश इसको ऊपर। अब डाई चेंज करते हैं फटाफट, बुश की डाई लगाते हैं। ये हमारा 400 नंबर की बुश की डाई है। तो हमने बांध लिया है बुश की डाई, ये देखिए हमने ठोक लिया है बुश भी, ये देखिए सब कुछ हो गया है। और अब ये हमारा चार मीनार है, आप लोग को दिखा सकते हैं लगे से। ये देखिए ये चार मीनार है। तो अब हम इसको इसमें डालेंगे, थोड़ा सा तेल लगा लेंगे तो ट्रक चढ़ जाएगा इसमें। ये देखिए, ये देखिए हमारा केबल बन के रेडी हो गया है, आप लोग देख सकते हो। पूरा केबल बाइक में लगने के लिए तैयार है, सुपर स्प्लेंडर का क्लच केबल अब ये लग सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हो। तो गाइस अगर हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे है आपको, तो वीडियो को प्लीज लाइक करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज। तो चलिए हम किसी अब आगे के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद।